हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र जांगिड। वेलकम टू क्वांटम स्टडी। आज हम जनरल साइंस का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कई बार हम एलॉय या मिश्र धातु याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो एलॉय मतलब मिश्र धातु का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एलॉय मिश्र धातु होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मिश्र धातु मतलब मिश्रण, मतलब मिक्सर। मिश्रण होता है किस किस का? मिश्रण हो सकता है मेटल प्लस मेटल का, मतलब धातु प्लस धातु, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल। तो एलॉय मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सर, या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सर, वो क्या हो गया एलॉय। अब मिक्सर की बात करें तो मिक्सर होता है अपना दो टाइप का। फर्स्ट हो गया होमोजीनियस, सेकंड हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं सजातीय और हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विजातीय। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एलॉय या मिश्र धातु किस टाइप का मिक्सर या मिश्रण होता है तो आंसर में क्या आएगा? होमोजीनियस टाइप का। आप समझते हैं कि क्या होमोजीनियस होता है और क्या हेट्रोजीनियस होता है। देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं, अपने को बनानी है चाय। चाय बनाने के लिए अगर चाय चीनी और दूध हम एक बाउल में मिक्स कर देंगे तो क्या वो चाय बन जाएगी? चाय नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, उन तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ एक नहीं हुई, मतलब वो सारी चीज़ें अभी भी अलग अलग ही हैं। लेकिन अगर उनको बॉईल कर देंगे तो क्या होगा? वो सारे के सारे चीज़ें मिक्स हो जाएगी, मतलब उनकी क्वालिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स होके एक नया आइटम बन जाएगा। वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर। और जहाँ पे पूरी तरह मिक्स नहीं हो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सर। मतलब क्या करेंगे? दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स करके उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मिक्स हो जाए। तो उस टाइप का मिक्सर होता है क्या? होमोजीनियस मिक्सर। और जहाँ पे प्रॉपर्टीज मिक्स नहीं हो वो अलग अलग हो वो क्या बोलता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। देखो जैसे बात करें, अगर पानी में अगर मिट्टी डाल देंगे तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? तो कोई भी बता सकता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। लेकिन दूध में अगर चीनी डालेंगे उसको मिक्स कर देंगे तो किस टाइप का मिक्सर होगा? वो होगा होमोजीनियस मिक्सर। अब एग्जाम में एलॉय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, पूछा जाता है कि किस किस धातु से मिलके बने होते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एलॉयज, मतलब कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु। देखो नाम सबने सुना होगा ब्रास। ब्रास को हिंदी में बोलते हैं पीतल। सबने सुना होगा पीतल का नाम। अब पीतल होता है दो चीज़ों का मिश्रण। फर्स्ट क्या हो गया? Cu। अब देखो इनके सिंबल भी ध्यान रखने। Cu किसका सिंबल होता है? कॉपर का। अब इनका ट्रिक भी देखेंगे। Cu किसका सिंबल हुआ? कॉपर मतलब तांबा। दूसरा क्या हो गया? जिंक। जिंक मतलब जस्ता। तो ब्रास किन दो चीज़ों का मिक्सर होता है? कॉपर और जिंक का। अब ब्रास क्या होता है? सभी ने इस टाइप के बर्तन देखे होंगे घरों में, पीतल के कुछ बर्तन बनते हैं, वो होता है ब्रास। सेकंड बात करते हैं ब्रोंज। ब्रोंज होता है अपना कांसा। कांस्य पदक तो सबने सुना होगा। ओलंपिक में थर्ड नंबर पे आने वाले को क्या दिया जाता है? कांस्य पदक दिया जाता है, मतलब ब्रोंज मेडल दिया जाता है। अब ये ब्रोंज किन दो चीज़ों का मिक्सर होता है? फर्स्ट हो गया अपना कॉपर, दूसरा क्या हो गया? टिन। SN किसका सिंबल होता है? टिन का। और Cu कॉपर का, जो ऊपर देखा हमने। अब थर्ड बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जर्मन सिल्वर किन किन चीज़ों का मिक्सर होता है? फर्स्ट हो गया कॉपर, दूसरा हो गया निकल, और जेडन मतलब जिंक, सीयू मतलब कॉपर। तो किन किन तीन चीज़ों का मिक्सर होता है अपना जर्मन सिल्वर? कॉपर, निकल और जिंक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जर्मन सिल्वर में इनमें से कौन सा एलिमेंट उपस्थित नहीं होता और आंसर में दिया हो कॉपर, निकल, जिंक और सिल्वर, तो आंसर क्या होगा? सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसका नाम सिर्फ जर्मन सिल्वर होता है।
तो याद रखना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्या लेड पेंसिल, सबने सुना होगा लेड पेंसिल में लेड 0% होता है, किसकी बनी होती है लेड पेंसिल, ग्रेफाइट की, मतलब लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, क्या होता है ग्रेफाइट। उसी तरीके से जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, क्या क्या होता है, कॉपर, निकल और जिंक। अब इन तीन चीजों को याद करने की ट्रिक देखो, ब्रास कजन, ब्रोंज कार से जर्मनी कॉपर नहीं जाता। ऊपर देखते हैं ब्रास कजन, ब्रास कजन मतलब ब्रास कजन, ब्रास कजन, तो याद हुआ ब्रास कजन, ब्रोंज सीयू मतलब कार, ब्रोंज कार से जर्मनी कॉपर नहीं जाता। तो तीन एलो याद करने की सिंपल एक ट्रिक हो गई, क्या ब्रास कजन, ब्रोंज कार से जर्मनी कॉपर नहीं जाता। अब आगे देखते हैं, फोर्थ मेटल हो गया अपना टाइप मेटल। अब टाइप मेटल किन किन चीजों का मिक्सर होता है, पीबी मतलब लेड, इनके सिंबल भी ध्यान रखते हैं, लेड का सिंबल क्या होता है पीबी, एसबी क्या हो गया, एसबी हो गया एंटीमनी, और एसएन क्या हो गया टिन। मतलब टाइप मेटल किन किन चीजों से मिलके बना होता है, पीबी मतलब लेड, एसबी मतलब एंटीमनी, एसएन मतलब टिन। अब देखो ट्रिक देखते हैं, पंजाब में सब सिंग टाइप, तो पंजाब में सब सिंग टाइप, तो ट्रिक क्या हुई अपनी, पंजाब में सब सिंग टाइप। अब दलजीत दोसांझ तो सबने देखा होगा, वो फेमस है, ये क्या है सिंग है और पंजाब के हैं, तो याद रखने के लिए मैंने फोटो लगाई है। अब देखो टाइप मेटल काम क्या आता है, इस तरीके के कुछ ठप्पे होते हैं जो कहां पे काम आते हैं, टाइपिंग में काम आते हैं, इनकी कास्टिंग करने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है, टाइप मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गन मेटल, अब गन मेटल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गन मेटल है तो गन बनाने के तो काम में आएगा ही आएगा, साथ में कई और भी यूजेज होते हैं इसके। अब देखते हैं गन मेटल किस किस से बना होता है, तो गन मेटल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, देखो फर्स्ट हो गया एसएन, एसएन मतलब टिन, सीयू मतलब कॉपर, और जेडन जिंक, मतलब गन मेटल में कितनी चीजें होती है, तीन, कौन कौन सी, टिन कॉपर और जिंक। अब ट्रिक देखते हैं, गन से कौन जिंदा बचा, गन से कौन जिंदा बचा, तो याद हुआ गन मेटल में क्या क्या हो गया, एसएन सीयू और जेडन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया अपना सोल्डर और फ्यूज वायर। अब सोल्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, टांका। सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जो वायर जोड़ने के जो जो वायर काम आता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्डर। और फ्यूज वायर सबने देखा होगा, फ्यूज का जो वायर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर बोलते हैं। अब ये फ्यूज वायर किस किस से मिलके बना होता है, फर्स्ट हो गया पीबी, पीबी मतलब लेड, और एसएन मतलब टिन, मतलब फ्यूज वायर दो चीजों से मिलके बना होता है, कौन कौन सी, पीबी और एसएन, मतलब लेड प्लस टिन। अब याद कैसे रखेंगे, पब से फ्यूज उड़ा, मतलब पब से फ्यूज उड़ा, तो याद हुआ। अब पब क्या होता है, फिल्मों में देखा होगा जहां पे कुछ लाइटें होती है, डीजे बजता रहता है और कई लोग डांस करते रहते हैं, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, पब बोलते हैं। तो यहां से फ्यूज उड़ गया, मतलब लाइट चली गई, तो याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, पब से फ्यूज उड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट एलोय, नेक्स्ट क्या हो गया, अमलगम, अमलगम को हिंदी में बोलते हैं पारद मिश्रण। ये पारद मिश्रण क्या होता है अभी देखते हैं, ये किस किस का मिक्सर होता है, एचजी मतलब मरकरी, और मेटल मतलब कोई भी धातु, मरकरी क्या होता है पारा, तो अमलगम दो चीजों का मिक्सर होता है, एक तो क्या हो गया पारा और कोई भी एक धातु का मिक्सर होता है। अब ये क्या काम आता है, इस तरीके से दांत में कुछ केविटीज बन जाती है, उसमें भरने के लिए जो मसाला काम में लिया जाता है वो क्या होता है, वो अमलगम होता है। अब नेक्स्ट हो गया स्टेनलेस स्टील, अब स्टील तो सभी जानते होंगे,
जिसके कुछ बर्तन बने होते हैं और कुछ आइटम्स बने होते हैं। अब स्टील किस किस काम अक्सर होता है, देखो फर्स्ट क्या हो गया, एफी, एफी मतलब आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा। दूसरा क्या हो गया, क्रोमियम, और क्या हो गया, निकल और कार्बन, मतलब स्टेनलेस स्टील चार चीजों का अलॉय होता है, मतलब चार चीजों की मिश्र धातु होती है। किस किस की, लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन। अब यहां से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का यूज क्यों किया जाता है, तो क्रोमियम का यूज क्यों किया जा सकता है, तो क्रोमियम का यूज क्यों किया जाता है, रस्टिंग से बचने के लिए, मतलब स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है, मतलब प्रिवेंट्स रस्टिंग, मतलब क्रोमियम क्या करता है, रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब जंग नहीं लगने देता किसके, स्टील के। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन का यूज क्यों किया जाता है, तो कार्बन का यूज किया जाता है हार्डनेस बढ़ाने के लिए, तो स्टील की हार्डनेस बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन का। तो ये थे अपने एलॉय मेटल्स, एलॉय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वीडियो में हमने देखे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।